महानगर कोलकाता के मिल्ली अलमीन कॉलेज में एक एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम तरह के फैशनेबल कपड़े और खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि ये एग्जीबिशन 17 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में एग्जीबिशन के शौकीनों के लिए बेहद सुनहरा मौका है। आप मिल्ली अलमीन कॉलेज कैंपस में जाकर एग्जीबिशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। गौर हो कि महरोज़ नाम से इस एग्जीबिशन का आयोजन महलका और अफरोजी के द्वारा किया गया है। आयोजकों की अपील है कि आप एक बार ज़रूर एग्जीबिशन में आए। कि इन लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं और मैं यही दुआ करती हूँ कि जिस मकसद से इन लोग मेरे साथ मतलब कि आज जुड़ी हैं, इन लोगों का सेलिंग हो और मतलब कि आइंदा हमारे साथ जुड़ने की इन लोगों की हिम्मत अफजाई हो। अगर जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा प्राउड नहीं हो रही, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब कि इन लोगों का मतलब कि जबकि लोग अगर एंट्री नहीं लेंगे तो मालूम नहीं होगा कि इसके अंदर में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अगर लोग एंट्री लेते हैं तो ये मालूम कर पाएंगे कि हाँ यहाँ क्या चीज़ सेलिंग हो रहा है, क्या कितनी मतलब कि कीमत में इसको सेलिंग किया जा रहा है, ये सभी लोगों को मालूम होगा। और अगर नहीं आएंगे तो फिर लोग तो बाहर से ही वापस चले जा रहे हैं। बहुत से अफवाहें भी हैं जो सुनने में मिल रही हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इवेंट है, तो मैं बस यही सभी लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि मुझे हिम्मत अफजाई मेरी करें और मेरे साथ मतलब के दें। बस बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं महलका जी को कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी। ये आफरोज़ और महलका जी का ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुली रहा और माशाल्लाह बहुत लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ मेरे साथ मेरो महलका खड़ी हैं और यूके में आफरोज़ बैठी हैं। ये दोनों को मैं कॉन्ग्रेट्स कहती हूँ। और माशाल्लाह आप तो देख रहे हैं कि सेल बहुत अच्छा हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन में मैं इनकी हूँ एज अ कोऑर्डिनेटर। तो बस दुआ कीजिए कि जैसे कि हुनैस फातिमा एनजीओ के लाइन में अपना 100% देती है, इस लाइन में भी 100% देती है। जी माशाल्लाह आज तो काफ़ी गैदरिंग था और बहुत सारे लोग भी आए थे और आ रहे हैं, और कल तो संडे है, कल तो और भी लोग आएंगे। और आपके चैनल से मैं बोल रही हूँ कि आपके चैनल से दरख्वास्त करती हूँ कि कल आए मिली आलमीन कॉलेज में एग्जीबिशन में आए और आके शिरकत करें। आपने बशरा मुबारक। एंड मैं जो इसके ओनर हैं महरोज़ की, महलका बेगम उनकी डॉटर हूँ मैं। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ मैं बताना चाहती हूँ कि ये मिली अलमीन कॉलेज में जो ये 16 एंड 17 को ये जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है, आप लोग प्लीज़ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हैं इनके रेट्स बहुत ही रीज़नेबल है। नाउ अगर आप विज़िट नहीं करेंगे सो यू विल नेवर नो कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। नाउ यू पीपल विल कम एंड दे विल इन्जॉय द स्टॉल्स, द ओनर ऑफ द स्टॉल्स विल इन्जॉय। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग आइए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए एंड प्लीज़ विजिट कीजिए, बिकॉज आप आएंगे तो हमारा कनेक्शन बनेगा। सो प्लीज़ विजिट टुडे, आज इट टुडे, आज क्या क्या यहाँ पर, यहाँ पे फूड स्टॉल्स में बहुत आइटम हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ होममेड। सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई भी प्रोसेस्ड कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ होममेड है। सो आप लोग प्लीज़ आइए एंड इन्जॉय कीजिए फूड स्टॉल को भी, एंड साथ में जो बाकी जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं लाइफस्टाइल के स्टॉल्स हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट में लगे हुए हैं। सो प्लीज़ आप सब आइए और इन्जॉय कीजिए, थैंक यू। उन्होंने रखा है स्प्रिंग रोल है हमारे पास, वर्की समोसा है, दही वड़ा है जो कि बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस है, और पापड़ी चाट भी है। और हमारा अभी बहुत अच्छा एक आइटम था फिश रशियन कटलेट, बट वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, तो वो अभी आ जाएगा कुछ देर में। और ये आप देख सकते हैं गरम गरम आप लोगों को मिलेगा जो भी आप ऑर्डर करेंगे। और चाट भी है हमारे पास, वो बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। तो लिप स्मैकिंग फूड और एक डिलीशियस सा इवनिंग के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। जी नाम बताएं। मेरा मासूमा परवेज। आज आप लोगों ने क्या यहाँ पर रखा है? हमने चिकन मुठिया कबाब रखा है और शाही टुकड़ा रखा है और दार्जिलिंग टी है जो फ्रेश बना रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या इससे कैसे बनाना है आप लोगों ने? अब ये रेसिपी मुझे पूरा बताना पड़ेगा, ये हम नहीं बताते रेसिपी जल्दी किसी को। अच्छा, ये मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ है। अच्छा, खाने में किस तरीके का है? आप खाइए तो फिर आप बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा है। तो आप लोग होममेड बनाती हैं या बाहर? नहीं नहीं, हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। ये मेरे साथ में जो मेरी साथ रहती है वो मेरे को काफ़ी हेल्प करती है। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत आइटम बनाया? हाँ बहुत, हमको एक्चुअली मेरा पैशन है कुकिंग, सो आई लव टू कुक, तो मैं करती रहती हूँ।
हमारा यहाँ बैग का कलेक्शन है, न्यू ट्रेंडी कलेक्शन, क्लासिक कलेक्शन है, ये अभी लेटेस्ट चल रहा है आपका मार्केट में। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको वहाँ पर ढेर सारे वेराइटीज मिल जाएंगे बैग्स के। और हमारा अकाउंट का नाम है स्लिंगिन, आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, हम आपका होम डिलीवरी अपेयर कर सकते हैं बहुत सारे रीजनेबल प्राइस में। बहुत सारे रीजनेबल प्राइस है, 500 से स्टार्टिंग है हमारी। अच्छे चिकन से रेक्सिन, प्योर रेक्सिन है हमारा, और ये बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का रेक्सिन है। आपका ख़राब आप चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सब हमारा कलेक्शन देखिए, ये आपको यूनिक कलर मिलेगा आपको हमसे, और अच्छे खासे ब्रांड्स वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, से बैग है बहुत सारा, और यूनिक सूट्स है जी। ये हमारा बेडशीट का कलेक्शन बहुत अच्छा है, देख सकते हैं जी। बहुत ही अच्छा सो नाइस कलेक्शन, 700 से स्टार्ट है, 25 तक जाएगा। अच्छा। ये एक और बेडशीट है मेरा यहाँ पर, बेडशीट्स है देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ क्राउड नहीं, कुछ भी नहीं जी जी। कवर है, कुशन है सेट करने के लिए, और ये पिलो कवर है। क्या प्राइसेस वगैरह पे उसका रखी हुई है? ये 25 का है। 50 से अगर आदमी कांटेक्ट करने मांगे तो कैसे कांटेक्ट करेगा जी? उमर कलेक्शन बोल के कॉन्टैक्ट जो इंस्टाग्राम में है हमारा, डिमांडिंग रहता है चिकन चीज स्प्रिंग रोल। अच्छा जी, पनीर मसाला है, चिकन पिज्जा है, आलू टिक्की चाट है, एंड चिली चिकन रोल। होममेड है सर? ऑल होममेड। कुछ आप लोग को दुकान वगैरह की इसका? नहीं, ऐसा नहीं, ऑल फ्रॉम होम, आई वर्क फ्रॉम होम। एग्जीबिशन में कहीं आप लोग? एग्जीबिशन में मैं स्टॉल लेती हूँ खाली, यहाँ का बस सो सो ठीक ठाक। यहाँ पर आप आए, क्या पसंद आया? मुझे अलिंजा किचन का चिकन पिज्ज़ा बहुत पसंद आया। आप एक साथ खा लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तुम बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो औरतें अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं, ये एक आगाज़ है, ये शुरुआत है, और ये अपने अंजाम पे इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। लड़कियाँ, औरतें, ये सारी लेडीज़ यहाँ पे घर से निकल के इस पैंडमिक के सिचुएशन में हर कुछ दिनों पे मैं देख रही हूँ जिस तरीके से यहाँ पे लगा रहे हैं लोग एग्जीबिशन, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं, तरह तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है कि लड़कियाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो अब अपने इंडिया पे प्राउड है मुझे। हेलो एवरीवन, मैं मैरोज ग्रुप में मैं भी मेम्बर हूँ, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि 16 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर में हमारे यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसे ऑर्गेनाइज करने वाली मलाइका आंटी और अफरोज़ मैम है। मलाइका आंटी तो हमारे कोलकाता में है, पर अफरोज़ मैम तो कोलकाता में नहीं है, वो इंडिया से बाहर US पे रहती हैं। तो आप सब से हमारी गुजारिश है कि 16-17 जो अक्टूबर पे हमारी जो इवेंट हो रही है उसको सक्सेस करने के लिए आप सब विज़िट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर जो फूड कोर्ट है, मीन्स ज्वेलरी स्टॉल है, क्लोथ स्टॉल है, बच्चे लोग के लिए भी बहुत सारी है, इन्जॉयमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ है, तो उन सब पर आप लोग आकर इंटरटेनमेंट हो, और बहुत मतलब काफ़ी कम दाम पे बहुत सारी ड्रेसेस है यहाँ पे, मतलब हर रेंज की ड्रेस है, तो आप आकर एक बार विज़िट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कल भी हमारे यहाँ पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर विज़िट करें। थैंक यू। सब कुछ रखे हुआ है, बैग्स है, ड्रेसेस है, वेडिंग कलेक्शंस है, बैग्स देखिए, ज्वेलरीज है, क्लिंग्स है, यहाँ पे कुर्तीज़ है। क्या प्राइसेस का आप लोगों का? प्राइसेस यहाँ तो 250 से स्टार्टेड है। क्या आप लोग का ऑनलाइन क्या सेल है? ऑनलाइन ऑनलाइन मेरा A to Z फैशन के नाम से मेरा इंस्टा पेज है, मेरा फेसबुक पेज है, A to Z से मेरा सेल होता है वहाँ। औरतों की ज़रूरत का हर सामान है, जो वो मेकअप करती हैं करके खूबसूरत दिखना चाहती हैं, उन लोगों के लिए जितनी भी ज़रूरत का सामान है सारे हैं। और प्राइसेस वगैरह आपके यहाँ पर? प्राइसेस बहुत कम है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, मीडियम है, ऐसे कि ले सके घरेलू औरत के जो घर के कामों से पैसे बच जाते हैं उनसे वो ख़रीद सके, बहुत ज़्यादा ये नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, बस मिडिल टाइप पे हमने प्राइस रखा है कि जिससे किसी इंसान को तकलीफ ना हो। और सर ये तो UFC फ्राइड चिकन सारा आप देख सकते हैं, सारा होममेड ही है, ये बर्गर वगैरह पॉपकॉर्न्स वगैरह सब हम लोगों ने अभी रेडीमेड, ऐसा नहीं रेडीमेड ला के, ये हम लोगों ने घर में रेडी करके चिकन को रेडी करके यहाँ पे फ्राई करके लोगों के सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। कैसे केक आप लोगों ने बनाया है? ये केक हम घर पर बनाते हैं, एंड वी मेक श्योर कि हम सारा हाइजीनिक मेजर और सैनिटरी मेजर्स लें,
वी मेक श्योर दैट आर एवरी थिंग वी यूज इज प्योर एंड वी डोंट यूज प्रिजर्वेटिव्स सिंस इट्स होम मेड यू कैन ट्रस्ट आर क्वालिटी इट्स 100% प्योर वी यूज ब्रांडेड पाउडर्स यस लेकिन देखा गया है लॉलीपॉप भी आपने बनाया है ये केक पॉप्स है केक पॉप ये लॉलीपॉप्स नहीं ये केक पॉप्स अच्छा और बच्चों के लिए क्या आप लोगों ने बनाया है ये बच्चों के लिए केक पॉप्स है ओरियो पॉप्स है डोनट्स है एंड इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट देन वी हैव रेड वेलवेट टब्स ब्लूबेरी टब्स विच आर चीज़ केक टब्स एंड वी हैव अ डिफरेंट फ्लेवर्स जनरली यहाँ पे इन कोलकाता भी जनरली यहाँ पर हम चीज़ केक देखते नहीं इस लोकेलिटी में सो वी ट्राइड समथिंग न्यू योर नेम आई सेड सिद्दीका रखे वाइट सॉस पास्ता चिकन डोनट और पोटैटो चिकन बॉल्स मतलब पोटैटो चीज़ी बॉल्स किसने बनाया आपने बनाया मम्मी ने बनाया हमने बनाया है खुद से हाँ ये खुद से बनाई है माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डिशेस जानती है बनाने और बच्चों के लिए इसी के लिए हमारा माँ ट्रस्ट फाउंडेशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया और इनको सिर्फ इनकरेज करने के लिए ये हम लोगों ने बच्चों को दिया है कि अपनी ये टैलेंट दिखाओ अपने इस तरह से और हमारा इसमें बेनिफिट ये है कि हम सिर्फ बच्चों को या इस तरह से दूसरे लोगों को इनकरेज करें आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए इंशाल्लाह।